अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। दुखों का पहाड़ किसे कहते हैं, ये कोई इस बुजुर्ग पिता से पूछे। बुजुर्ग का 28 साल का बेटा कोरोना का शिकार हो गया, लेकिन अब ये बुजुर्ग अपने बेटे के कोरोना डेथ सर्टिफिकेट के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। मामला आगर मालवा का है और इस बुजुर्ग का नाम है अनोखी लाल। पिछले दिनों अनोखी लाल के बेटे राहुल को कोरोना हुआ, जिसके बाद राहुल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 4 से 5 दिन के इलाज के बाद ही राहुल की मौत हो गई। क्या समस्या हुई आपने? हमारे अंकल जी थे राहुल जी, उनको 17 तारीख को एडमिट किया गया था यहाँ पे, तो उनके दिन प्रतिदिन हालत थोड़ी सी गंभीर होती जा रही थी। सांस की प्रॉब्लम आ रही थी उनको, तो 22 तारीख के दिन सुबह उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी, जिसके कारण उनको 11:30 बजे उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका पूरा दाह संस्कार जो है कि कोविड गाइडलाइन के द्वारा ही किया गया, अब सरकार से हमारी इतनी गुजारिश है कि जो भी कोरोना की जो सिस्टम है, इनका थोड़ा सा लाभ उनके परिवार को मिल सके, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुधर सके। तो अभी जो सर्टिफिकेट दिया उसमें लिखा हुआ नहीं है पॉजिटिव उनकी मौत हुई है? जी सर, पॉजिटिव लिखा हुआ नहीं है उसमें। तो आप चाहते हो वो लिख जाए? तो जी सर, है ना, थोड़ी सी जो सुविधा है सरकार के द्वारा वो उनके परिवार को मिल सके, बस यही गुजारिश है हमारी। राहुल तो ये दुनिया छोड़ गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया अपनी पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता पिता को। राहुल के पिता जब अपने बेटे का डेथ सर्टिफिकेट लेने पहुंचे तो उन्हें डेथ सर्टिफिकेट तो मिला, लेकिन उसमें बीमारी का नाम नहीं लिखा था। अभी हाल ही में सीएम शिवराज ने कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए एक योजना का ऐलान किया है, जिसमें अनाथ बच्चों को पेंशन और मुफ्त पढ़ाई की बात की गई है। लेकिन जब डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह ही नहीं बताई गई, तो फिर राहुल के बच्चों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसी की चिंता अनोखी लाल को खाए जा रही है। अनोखी लाल अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी सुनी जाए, सही मृत्यु की वजह बताई जाए। अपना पुत्र का राहुल लाए थे सरकारी अस्पताल में, तो 17 तारीख को तो वहाँ पे कर दिया, हो के भर्ती करिया और एक बाद में बढ़िया 5 रोज तक तो बढ़िया रही उस सब। एक बाद में फिर होके उन दिन सांस चली, तो उन दिन उन कोई के बाटल नहीं है, तो वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करियो उनसे। सबसे मैंने बोलो भी करियो, पर बाकी कोई ने सुनी नहीं उनने। एक बाद में वो की 10:30 बजे मृत्यु हुई। फिर दाह संस्कार हुआ? हाँ, दाह संस्कार वो नहीं, फिर उनने घरे ले जाओ कि भी बोल दी थी तो, पर फिर नहीं दाह संस्कार। अब क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट में? अब सर्टिफिकेट में ये वो के कोई जब थोड़ा बहुत कोई लाभ मिलवा को है के कहीं तो के लिए है। नहीं तो अभी उसमें लिखा हुआ नहीं दिया आपको? लिखा हुआ नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने ये नहीं लिखा कि कोरोना से मृत्यु? हाँ, यह नहीं दिया। तो वह कहाँ की रिपोर्ट हुआ तो भी हुआ बता ही रहे, सही रिपोर्ट बता ही रहे। अच्छा, अब आप क्या चाहते? क्या आप चाहते? यही है कि अगर कोई थोड़ा बहुत कोई मिली जाए कि कहीं भी राहत। अभी आज पीछे होके थोड़ा बच्चा बच्ची भी है छोटा। कितने बड़े बच्चे हैं? बच्ची 2 साल की है, बच्चों 3 साल को है। कब शादी कब हुई थी उनकी? 4-5 साल में शादी? कितने साल पहले हुई? 2013 में। तो ये सर्टिफिकेट में उनने लिख के क्यों नहीं दिया कि कोरोना से मृत्यु हुई है, ऐसा ये कहीं मालूम ये कि क्यों नहीं दिया उन्होंने लिख के? फिलहाल इस मामले पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहा है, लेकिन एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे के डेथ सर्टिफिकेट के लिए दफ्तरों के चक्कर जरूर काट रहा है। क्या पता कि सिस्टम का दिल पसीज जाए और सही डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर की रिपोर्ट, MP तक।